రంజాన్ పర్వదినాన్ని కడప జిల్లా కలసపాడు మండల కేంద్రం మసీదు ఈద్గా ప్రాంగణంలో ముస్లిం సోదరులు ఆనందోత్సాహాలతో ఘనంగా ఆచరించారు. రంజాన్ పండుగ ప్రాముఖ్యతను గురించి చెప్పిన మత గురువులు నెల రోజుల కఠోర ఉపవాస దీక్షను ముగిసిన అనంతరం వచ్చే రంజాన్ వేడుక మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిచింది. మసీదులో ప్రత్యేక ప్రార్థనలతో మార్మోగాయి మహమ్మద్ ప్రవక్త బోధించిన అంశాలను మత పెద్దలు ఉపదేశించారు. కలసపాడు ఈరామాపురం మసీదుల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ప్రత్యేక వస్త్రధారణ సాంప్రదాయ దుస్తులతో ఆకట్టుకున్నారు. కలసపాడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నాగమురళి ఆధ్వర్యంలో మసీదు వద్ద పోలీస్ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. नहीं कर सके. अल्लाह ने रोजा फर्ज करार दिया था कि हर एक मर्द और औरत हर एक के लिए रोजा का अदा करना फर्ज है, मगर बहुत सारे हजरात की कोई उज्र होने की वजह से नहीं रख सका है, तो उसकी तलाफी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकतुल फितर अदा करने के लिए कहा है कि छोटा मोटा जो भी गुनाह हो जाए हमारा, जो भी हमारे छोटे मोटे नफिला वगैरह छूट जाए, किसी को हम गाली गलौज दे दिए या किसी को बुरा भला कह दिए या किसी से हम लड़ लिए, तो उसकी तलाफी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबों के लिए ये एक दिन ईद का दिन रखा है, और ये ईद के दिन में सदकतुल फितरा अदा करना हमारे लिए जरूरी है. इसके लिए साहिब निसाब का उत्ता होना जरूरी नहीं है जितना के जकात के लिए साहिब निसाब होना जरूरी होता है. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जकात के लिए 7.5 तोला सोना या उसके बकदर माल दौलत या 52 तोला चांदी के मुताबिक अगर जिसके पास रुपया पैसा हो या और कोई गल्ला हो या कोई चीज हो घर में, तो उसके लिए जकात का देना फर्ज है, देना चाहिए. अल्लाह ने एक फर्ज अदा किया है. नमाज पढ़ना एक फर्ज है, रोजा का रखना एक फर्ज है, जकात का देना एक फर्ज है, ईमान का कलीमा पढ़ना एक फर्ज है, और अल्लाह ने ताकत दिया है तो हज का अदा करना भी एक फर्ज है, उसमें से एक जकात फर्ज करार दिया है. तो अल्लाह ने जिसको अगर साहिब निसाब बनाया है, हैसियत दिया है, तो उसके लिए जकात का अदा करना भी फर्ज है, और उसके लिए 40,000 में 1,000 रुपए निकालना उसके लिए जरूरी होता है जकात, जिससे माल दौलत उसके पास जो है वह पाक और साफ रहते हैं.